हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो मैं शेयर आपके सामने लेके आया हूँ वो है अलेम्बिक लिमिटेड। अलेम्बिक लिमिटेड में अभी देखेंगे, कुछ दिनों से एक अच्छा खासा स्पाइक आ रहा था और स्पाइक से अच्छा खासा ये वॉल्यूम से ये गुजर रहा था और ये सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, और आपने इनफैक्ट ये आप देखेंगे 28 तारीख को तो इसका जो 200 का मूविंग एवरेज डेज था 46.79, उसको भी क्रॉस करके 49 पे ये क्लोज हुआ। मीडिया हाउस सब लोग अभी इस पर बाय बाय चालू कर दिए होंगे, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रह के बाई कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है फंस भी जाएंगे। वेटेड एवरेज 49.26 है और करंट प्राइस जो इसका चल रहा है 49 चल रहा है, मतलब कि वेटेड एवरेज से थोड़ा जो प्राइस बंद हुआ है वो 26 में से क्लोज लोअर साइड में दिखाया है। वॉल्यूम देखेंगे तो आप 30,88,000 का वॉल्यूम था के साथ उठा है, जो कि 7,08,00,000 का वॉल्यूम होता था वहाँ 30,31,00,000 की वॉल्यूम है। बाइंग सेंटीमेंट 100% है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, बाइंग सेंटीमेंट में भी कोई इशू नहीं है, बाइंग सेंटीमेंट भी पूरा दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी डिलीवरी परसेंटेज जो 19 से 20% हो रहा था डिलीवरी परसेंटेज, वो भी आप देखेंगे अभी यहाँ पे ये 23%, 22%, 19% का डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो ये अपने बुक वैल्यू का 1.16% टाइम्स ले रहा है। ये कोई कंपनी खराब नहीं है, अगर ये आपको 30-35 के आसपास मिलती है, लोअर लेवल पे मिलता है, तो इसको आप रखिए, एक्यूमुलेट कीजिए, ये 71, 80, 90 तक आपको आगे जाके दिखा सकता है। और अलेम्बिक फर्मा और इसमें अंतर है, अलेम्बिक फर्मा 578 के आसपास चल रहा होगा, डीमर्ज होकर के अलेम्बिक लिमिटेड से बना था ये, तो अलेम्बिक फर्मा जो है वो अलग कंपनी है और ये अलग कंपनी है। एक्चुअल में अलेम्बिक लिमिटेड इज लिमिटेड है, एलेम्बिक लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, रियल इस्टेट एंड पावर एसेट। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड एपीआई एंड रियल इस्टेट। द कंपनीज फार्मास्यूटिकल बिजनेस इज इंगेज इन मैनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्मेंटेशन एंड केमिस्ट्री बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ये सब चलो ठीक है। 49 का इसका करंट प्राइस है, हाई 72 का है, लो 35 का है। डिविडेंड यील्ड भी, डिविडेंड भी देती है। पी रेशियो 7% है, बुक वैल्यू 38 है। प्राइस टू कैश फ्लो देखिए, जो प्राइस अर्न करती है उसका कैश प्राइस देखिए क्या है, 53 टाइम्स मांग रही है, बहुत हाई मांग रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए क्या है, 4.52, ये बहुत हाई है, निगेटिव है, निगेटिव सेल्स रिटर्न के साथ काम कर रही है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1907 की कंपनी है, बहुत जनरेशन इसमें चले निकल चुके हैं, बहुत पुरानी कंपनी, बड़ोदरा की है, गुजरात बेस्ड है और ये फेमस कंपनी है एलेम्बिक। चलिए कोई बात नहीं। और इसमें 8.86% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देता है, डेब्ट फ्री कंपनी है। यहाँ सब किसी चीज में प्रॉब्लम, इन्वेस्ट डेब्ट फ्री है, मतलब सुनिए क्या, बहुत कोई इंटरेस्ट कवरेज ऐसे हो तो 233 दिखा रहा है, बहुत हाई दिखा रहा है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है कि इसके पास कैश रिच कंपनी नहीं है, पहला कैश ज्यादा नहीं रखती है, दूसरा इसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव है, -4.52 है, और तीसरा जो हम देखना चाहेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ 10 करोड़ का है और प्राइस वैल्यू बहुत हाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड सिर्फ 4% है। तो ऐसे कंपनी में कहीं आप ऐसा नहीं, मीडिया हाउस अगर बता रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो लेके फर्स्ट मंथ जाइएगा। सेल्स देखेंगे तो 147 की जगह 125 का सेल्स गिरा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% की जगह यहाँ पे 9% बढ़ के आया था। क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में देखेंगे दिसंबर 17 से मार्च 18 में 33% का रिटर्न बताया था और यहाँ पे रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जीरो हो गया था, जब मार्च 18 में दिए तो यहाँ जीरो है और नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का बताया। कैश फ्लो देखिए इसका निगेटिव मेंटेन हो रहा है। ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये आपको देख फ्रॉम ऑपरेशन 15 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, तो यहाँ 15 करोड़ का बताया है और वर्किंग कैपिटल माइनस होने के बाद 3 करोड़ का बैलेंस टैक्स पेड किया है। अगर मैं इसके अच्छी चीज बताऊं तो कंपनी डेट फ्री है, प्रमोटर्स स्टेक इंक्रीज, प्रमोटर का स्टेक क्या है इसमें, तो प्रमोटर का स्टेक देख रहे हैं इसमें, कंटिन्यू प्रमोटर बाई कर रहा है, ये आपको यहां से भी देखने को मिलेगा और यहां से भी आपको पता चलेगा प्रमोटर जो है 63.54% है, FI 1.1% है, म्यूचुअल फंड 5.36% के साथ है और अदर डी आई वगैरह भी है इसमें है, SBI स्मॉल कैप फंड इसमें बाई की हुई है।
ये देखिए जो प्रमोटर जिस सबसे ज्यादा है ना वो है निरायु प्राइवेट लिमिटेड 41.05%, और ये आप देखेंगे ये कंटिन्यू बाई कर रहे हैं, ये कंटिन्यू ब्लॉक डील में निरायु जो बाई कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये देखिए यहाँ पे निरायु प्राइवेट लिमिटेड हैज इंक्रीज्ड होल्डिंग 18.21 के शेयर, 18,210 शेयर बाई किया, फिर उस ये 18 दिसंबर को किया, फिर 1.66 लाख शेयर्स को बाई किया इन्होंने, तो फिर 41.46 होल्डिंग हो गई इनकी, यहाँ पे 41.45 मतलब 41.55% तक ये होल्डिंग अपनी बढ़ा के अभी कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो निरायु का था वो सिर्फ 41.05 था और अभी वो 41.55 हो गया। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे दिसंबर में जब आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको बढ़ा हुआ दिखेगा, तो प्रमोटर इसमें बाइंग कर रहा है चार्ट पे एक, लेकिन हम एक बार इसको चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एमएससीडी लाइन यहाँ देखिए, एमएससीडी लाइन बुलिश पैटर्न बता रहा है, एमएससीडी प्लस बता रहा है, आरएसआई भी देखिएगा तो 66% के साथ यह भी अप ट्रेंड में बता रहा है, आरएसआई भी पॉजिटिव बाई के लिए सिग्नल दे रहा है। बोलिंगर बैंड को देखेंगे तो ये इसके अपर लेवल को ऑलरेडी 47 को क्रॉस करके ऑलरेडी 49 की ओर जा चुका है, यहाँ पे भी सही है। अब एक चीज खाली यहाँ पे जो जो अपने को देखने को मिल रहा है वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रही है, और डबल टॉप पैटर्न फॉर्म अगर आप देखें ऐसे देखें तो ये अपसाइड जाकर के फॉर्म किया हुआ है, ये यहाँ पे रेड था और यहाँ पे यहीं से फॉल किया था और यहाँ से अपवर्ड लिया था, तो इसमें यहाँ से जब अप कर रहा था तो उसके बाद फॉल लिया था। अगर ये 55 के लेवल को क्रॉस करता है, ये देखिए ये जो लेवल है, तो ये आपको फिर से 70 की ओर जाके दिखा सकता है, अदरवाइज इसका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है 55 के आसपास। आप ये इस कैंडल से जब डबल बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये 55 के आसपास आ रहा है, 52-53 भी आ रहा है, तो ये 55 या 54-55 के आसपास इसका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। अगर ये किसी तरह ये क्रॉस करता है, अभी अभी क्लोजिंग 49 पे दिया इसने, अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो आप देखेंगे यहाँ पे 49 का हाई 50 का बना करके अपर साइड में ही क्लोज दिया, लो 46 था, 49 50 का हाई बनाता है और अपर साइड क्लोज देता है विथ हाई वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का कैंडल देखिए, सारे वॉल्यूम को तोड़ करके अपर निकलता है, तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे प्राइस वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है, और अगर ये 55 तोड़ता है तो आपको हो सकता है एक अच्छा खासा यहां से अपवर्ड एक देखने को मिल सकता है आपको, ये जो हाई बना करके यहां से फॉल किया था अगर इस हाई को तोड़ देता, 55 को तोड़ता है, तो फिर आपको एक बार ये यहां पे 60 और फिर 60 के बाद यहां पे 65-70 तक दिखा सकता है वापस। तो इसमें आप लोअर लेवल पे भी यहां पे बनाते पोजीशन तो अच्छा था, लेकिन ये एक साथ यहां पे स्पाइक लेते हुए एक साथ भाग गया ये, और प्रमोटर ने इसमें चूंकि ऑलरेडी बाइंग करके पोजीशन नीचे बनाया हुआ है ये 46 के आसपास, 44-43 पे, तो ठीक है। अब इसमें आप वॉच रखिए, इसमें कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो ऊपर में एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर वो किसी भी तरह से तोड़ता है, और लोअर साइड में आप इसको चाहें तो 48 का जो ये लो बनाए हैं तो ये 48 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई कर सकते हैं, और शॉर्ट मार रहा है तो 55 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट मार सकते हैं, तो दोनों में से आपको जो पोजीशन यहाँ बनानी है आप बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जब तक इसका सेल्स ग्रोथ मुझे अच्छा नहीं दिखता है तब तक लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे रिकमेंड करना नहीं पसंद करूँगा, जब सेल्स ग्रोथ निगेटिव दिखा रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अगर इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा हो जाए, डेब्ट फ्री कंपनी है ये तो अच्छी बात है, और प्राइस तो ऑटोमेटिक क्या होगा जब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो शायद इसका प्राइस टू कैश वैल्यू अर्निंग ज़्यादा होगी तो शायद ये प्राइस टू कैश वैल्यू इसका बढ़ते हुए दिखेगा अपने को। शॉर्ट टर्म के लिए ये हो सकता है आपको वापस एक बार नीचे की ओर दिखाए आपको, और वापस आपको हो सकता है पहले ये यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको वापस नीचे के लेवल पे दिखाएगा 41 के आसपास, तो 36-40 के आसपास इसको बाय कर अच्छा लेवल है यहाँ पे अगर नीचे की ओर आता है तो,
और ऊपर की ओर 50-55 तो जाता ही है। यहीं पे आप देखेंगे डबल टॉप पैटर्न बनाए, तो देखिए कल का क्या होता है, मंडे को क्या दिखाता है ये। और किसी कारण से ही अगर अपवर्ड लेता है, जो मुझे चांस नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि 55 क्रॉस करेगा, यही यहाँ से यहाँ अगर इस कैंडल को अब देखें तो मेरे अंदाज से ये 51.85, इसको यहाँ पे 51.85 भी या इस कैंडल को ले लें, ये 5290, अब 5290 मान लें, 5290 भी क्रॉस करने में इसको, अगर 5290 ये क्रॉस करता है 5290, तो आप इसमें एक बार बाइंग पोजीशन बना के टेस्ट कर सकते हैं। विथ स्टॉप लॉस आप जरूर रख लेना, आप 2 रुपया का ऊपर, मतलब ये 46 4480 का, उस समय आप 4480 का स्टॉप लॉस बना करके रख लेना, लो 48 है, सॉरी लो 48 है। तो अगर बाय करना ऊपर, अगर ये चला जाता है, ये क्रॉस कैंडल को क्रॉस करता है 5290 को, तो आप बाय बना लेना और ये 48 रुपीज़ का जो है स्टॉप लॉस रख लेना। तो ऐसे करके इसको बाय बना सकते हैं। ये डबल जो यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, ये डबल टॉप ही थोड़ा सा डाउट ला दिया। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बन रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम वाला चीज़ है। अगर ये डबल टॉप है तो इसका फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा अप ले सकता है, हो सकता है यहाँ से और 3% माने 5% भी मानिए तो 2.5 रुपया, तो 51 और 2 रुपया 53 54, तो वही आपको यहाँ पे 52 53 ये कैंडल को टेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम ये कैंडल 5290 को टेस्ट कर सकता है ये, बट यहाँ से फिर फॉल आपको देखने को मिलेगा। मेरे अंदाज से तो आपको अब 50 भी क्रॉस करना है, इसको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो जो अपना 50 35 बनाया है उसी को क्रॉस नहीं करेगा। अगर करता है तो 5290 क्रॉस करता है तो आप इसे बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 48 का रख के। तो एलेम्बिक फार्मा पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, कोई भी पोजीशन अनाधुन मत बना लीजिए, क्योंकि अपने हाई पे है और डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है ये, तो डबल सॉरी डबल टॉप पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से एक फॉल की संभावना हो सकती है, आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे एजुकेशन पर्पज से वीडियो थे, और कोई भी पोजीशन बनाने के लिए पहले अपने फंड एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।